कोई खामोश हो गया है कहीं। सैर की वादी में जाने वाले छह दोस्त मौत की वादी में जा पहुंचे। वादी सवात में गाड़ी खाई में गिरने का खौफनाक हादसा। मरने वालों में से पांच का ताल्लुक मजंग लाहौर के एक ही मोहल्ले से है। लाशें घर पहुंचने पर कोहराम बरपा। नमाज जनाजा में अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। जिंदगी में हर काम इकट्ठे किया करते, पांचों खदमत खल्क करने के बहाने ढूंढते रहते। फलाही कामों में भर चढ़ कर हिस्सा लेने पर भरपूर इलाके में मशहूर थे। अहले खाना पर आसमान टूट पड़ा, इलाका मकीन भी गम से निढाल। जहां बाग होने वालों में रेहान बट, उमर न्याज, आतिफ, उमर अशरफ और आमिर शामिल। एक लाख 93,000 के नाल अराजी का स्कैंडल। हाईकोर्ट का मुलजिम को गिरफ्तार करके एफआईआर की कॉपी आज अदालत में पेश करने का हुक्म। जाली अदालती फैसले बनाने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। जालसाजों को तहफ्फुज़ देने वाले एसएचओस के खिलाफ भी कार्रवाई की होगी। जस्टिस अली अकबर कुरैशी। लाहौर न्यूज मुल्की तारीख के सबसे बड़े अराजी स्कैंडल को मंजेराम पर लाया। नवाज को दफनाने के बाद बाऊजी वापस अडियाला पहुंच गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ मरियम और सफदर भी जेल मुंतकिल। शहबाज शरीफ तीनों के हमरा तैयारे पर गए, जेल तक छोड़ कर आए। रवानगी के मौके पर जाती उम्रा में दिल गिरफ्ता कैफियत। वालदा को अलविदा कहते हुए माहौल एक बार फिर उदास। वालदा के नवाज शरीफ, मरियम और सफदर को दुआएं। माँ जी घबराना नहीं, मुश्किल वक्त है, जल्द गुजर जाएगा। नवाज शरीफ। ड्राइविंग करने वाले कम उम्र बच्चों के वालिदैन की हवालात में बंद करने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने सीटीओ को हदायत जारी कर दी। 2,276 कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग करने पर चालान किया। चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने अदालत में पेश होकर तफसीलात से आगाह किया। हल्का एनए 124 का जिम्नी इलेक्शन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की घर घर इंतखाबी मुहिम। यूसी चेयरमैन आरिफ नसीम के घर आमद। भाई के इंतकाल पर इजहार तासीयत। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, क़यादत के फैसले पर लाहौर आया, आवाम की भरपूर हमायत है। इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके आवाम की खदमत जारी रखेंगे। बेगम कुलसुम नवाज की जमहूरियत के लिए खदमात नाकाबिल फरामोश हैं। हमजा शहबाज के हल्के एनए 124 का इंतहाई बुरा हाल। कला गुजर सिंह यूसी 171 में सेवरेज का गंदा पानी वबाले जान बन गया। पिछले पाँच माह से गलियों बाजारों पर गंदे पानी का कब्जा। बदबूदार और गंदे पानी की वजह से लोग बीमारियों में मुब्तला होने लगे। बल्दियाती नुमाइंदों और वासा के मुजरिमाना खामोशी। सेवरेज का काम शुरू करने वाला ठेकेदार काम छोड़कर फरार। एक माह हो गया इधर पानी आया, काफी बच्चे गिर जाते हैं। मेरे पाँव यहाँ पे आ गया था सुबह, तब सारे सॉक्स गीली हो जाती है, बच्चे गिर जाते हैं। साफ कपड़े पहन के आते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं। छह माह हो गया ये सीवरेज का मसला चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। हम हर तरफ जाके टकड़े मार के थक गए। हमारे घर में इतने इतने मच्छर हैं, बच्चे बीमार हैं, उन्होंने दाने निकले हैं, मगर वासा वालों को कोई हिजा नहीं आ रही। इतना गंदा पानी है, रोज स्कूल आने जाने में तंगी होती है, सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, सारा पढ़ने भी नहीं जाया जाता। पंजाब में अवामी खदमत के मंसूबों पर काम शुरू। वज़ीर आला, गवर्नर और तमाम वज़रा को टास्क मिल गए। साफ पानी का मामला गवर्नर पंजाब के सपोर्ट। बचत मुहिम, गवर्नेंस, तरक्याती मंसूबे वज़ीर आला खुद देखेंगे। सोरोजा प्लान की निगरानी सीनियर वज़ीर अब्दुल अलीम खान करेंगे। बजट की तैयारी और तजावीज का मुकम्मल प्लान वज़ीर खजाना को तैयार करने का हुक्म।
फौज बागा बॉर्डर पे हमारे मियां वाली के जबरू जवान सिपाहियों के सामने कैसे वो गिरते हैं, ये सारे की जरूरत नहीं है। भारतीय फौज बुजदिल है, रॉ ने टीटीपी की फंडिंग की। फिल्मों में सनी देओल की तरह डायलॉग मारना बहुत आसान है, हकीकत में मुकाबला मुश्किल है। भारत किसी भूल में ना रहे, सूबाई वजीर एतलाक फयाजुल हसन कहते हैं, जब तक वजीर सकाफत हूँ मुल्की रवायात फौज पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं चलने दूंगा। इमरान खान की क्यादत में नया पाकिस्तान बनेगा, पाक फौज ने मुल्क के लिए लाजवाब कुर्बानियाँ दी। यूनिक ग्रुप के जरिए तमाम योम दिफा की तकरीब में खिताब। मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सीसीपीओ लाहौर बी ए नासिक का मरकजी जुलूस के रास्तों का दौरा, निसार हवेली मियाजादारों और मुंतजमीन से मुलाकात, सिक्योरिटी के अमूर पर बातचीत। मुहर्रम हराम के दौरान सिक्योरिटी के पेश नजर, सिविल लाइन्स डिवीजन में पुलिस और सीटीडी की टीमों का सर्च ऑपरेशन, दौरान ऑपरेशन घरों और इमाम बारगाहों के गिर्द सख्त चेकिंग की गयी। बायोमेट्रिक सिस्टम से मुतादिद अफराद के शिनाख्ती कवायद का इंदराज भी किया गया। सगिया के करीब 12 साल बच्चे की लाश दरियाए रावी से मिलने का मामला, लवाहिकी ने वाकिए को कत्ल करार दे दिया। लाश बंद रोड पर रखकर एहतजाज, कत्ल का मुकदमा दर्ज। गंगाराम अस्पताल के फुटपाथ से नामालूम शख्स की लाश मिली, पुलिस के मुताबिक मुतवफी नशे का आदि है, लाश मुर्दाखाने में मुंतकिल। घरेलू मुलाजिम कातिल और लुटेरे निकले, ईएमई सोसाइटी में डकैती के बाद मालकिन को कातिल करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन और सीआईए की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया कि घरेलू मुलाजिमा और माली ने डकैती के बाद मालकिन को गला दबाकर कत्ल किया, मुलजिमान घर से तलाई जेवरात और नकदे लूट कर फरार। शहर में डाकू बेलगाम में से शहर के इलाके में दिन दहाड़े बेकरी से डकैती की वारदात हुई, डाकू नकदी और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार। शाहबाग के इलाके में भी दिन दहाड़े शहरी लूट गया, वारदातों के सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। पुलिस की नाकिस हिकमत अमली का पोल खुल गया, शहर में डकैती कत्ल और बच्चों के साथ ज्यादती केसेस में खौफनाक हद तक इजाफा। गुज़श्ता दो माह के दौरान डकैती की 580 वारदातें, कत्ल के 49 मुकदमात ज़ेर तफ्तीश, 8 का ताहाल कोई सुराग ना लग सका। शहर में बच्चों से ज्यादती के 38 वाकयात रिपोर्ट, लाहौर न्यूज को पुलिस की तैयार करदा रिपोर्ट मौसूल। जाली हाउसिंग स्कीम के नाम पर लूटमार करने वालों के गिर्द घेरा तंग, नैब की टीम का पाक अरब सोसाइटी फिरोजपुर रोड पर छापा, बिल्डर्स के दफातर से रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। बिल्डर्स ने जमीन ना होने के बावजूद जायद प्लॉट फरोख्त किए, नैब हुकाम। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से तालिबात में आगाही मुहिम, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग में करप्शन से निजात के उनवान पर तकारीर और पेंटिंग्स मुकाबलों का इनेकाद, मुख्तलिफ कॉलेजेस के तालिबात की भरपूर शिरकत। दरख्त लगाओ मुल्क सरसब्ज बनाओ मुहिम में पंजाब कॉलेज भी पेश पेश, गुलबर्ग कैंपस में सरसब्ज पाकिस्तान के हवाले से सेमिनार, तलबा ने कैंपस के सहन में पौधे लगाए। और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात की मुहिम अरूज पर फिरोजपुर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का बयान, फाउंडर्स अलायंस की हमायत का ऐलान, अहदेदारों के एजाज में तकरीब का अहतमाम।